अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि नकली टिकट बनाने का जो ये पूरा स्कैम चल रहा था, इसका मुख्य सेंटर अहमदाबाद के बोड़कदेव इलाके में ये कृष्णा जेरोक्स सेंटर था, जिसको कुश मीणा नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। और बताया ये गया है कि कुछ दिन पहले राजवीर अपने दो साथियों के साथ आया और उसने कुश से ये कहा कि नकली टिकट बना करके वो लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि टिकट की डिमांड जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच की वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में वो एक ओरिजिनल टिकट लेकर के आए कुश के पास, उसने फोटोशॉप के जरिए हूबहू वैसा ही टिकट बना करके दिया। इन्होंने 15 टिकट जो हैं 20,000 की दर से करीब 3 लाख रुपए में बेच भी दिए। और जब पुलिस ने यहाँ छापा मारा तब पुलिस को करीब 150 नकली टिकट यहाँ बरामद हुए। और इसके अलावा कई तरह की इंक और जो सामग्री है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी पुलिस को बरामद हुई, जिसके जरिए ये लोग नकली टिकट बना रहे थे। और पुलिस को ये भी आशंका है कि इन्होंने और भी टिकट्स बेचे हो सकते हैं, कबूले सिर्फ 15 हैं, और इसीलिए पुलिस ने इनका 3 दिन का रिमांड भी लिया है, जिसके बाद अब आगे की जांच की जा रही है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा 4 आरोपियों को डुप्लीकेट टिकट केस में पकड़ लिया गया हुआ है। और 4 आरोपी जो है उसमें से जो मेन जयमीन प्रजापति है, जो मुख्य सूत्रधार है, उसने ध्रुमिल, कुश मीना और राजवीर ठाकुर इनके साथ मिलकर एक डुप्लीकेट टिकट्स प्रिंट करवाई थी। और उस 150 टिकट हमने पकड़ ली, और जो 50 टिकट जो है उसने एक जो ग्राहक था उनको दे दिया था, वो भी क्राइम ब्रांच द्वारा कब्जे कर ली गई है। और टोटल 200 टिकट जो है वो कब्जे की गई है, और 50 टिकट जो बेची थी उसमें 3 लाख रुपए के आसपास जो है वो भी कब्जे कर लिए गए हैं। नकली टिकट से सावधान रहने के लिए क्राइम ब्रांच ने स्पेशल ड्राइव भी चलाई है इन आरोपियों को अरेस्ट करने के साथ साथ। क्राइम ब्रांच ने इन तमाम टिकट्स के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो सर्कुलेट करना शुरू किया है। अहमदाबाद पुलिस ने वाइडली इसको सब जगह सर्कुलेट किया है, ताकि लोग ये पहचान सकें कि कौन सी टिकट असली और कौन सी नकली है। जैसे ये जो फीचर्स दिए हुए, टोटल 4 सिक्योरिटी फीचर्स हैं। एक तो ये स्पेशल प्रकार के पेपर से डिज़ाइन हुआ है, जिसमें एक स्पेशल कलर यूज़ हुआ है, वो इसके फटने पे या पानी गिरने पे उभर करके सामने आता है। ये एक फीचर है। इसके अलावा एक स्पेशल प्रकार का, इसमें अगर देखें यहाँ पे दूसरा फीचर जो है, एक स्पेशल प्रकार का पैच है जो मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप देखेंगे तभी पता चलेगा उसके अंदर कुछ लाइन्स हैं। इसके अलावा स्पेशल एक जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। और इसके अलावा जो चौथा फीचर है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है इसके यूनिक बार कोड। हर टिकट पे एक यूनिक बार कोड है, जो कि किसी डुप्लीकेट टिकट पे नहीं होगा। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जो जेन्युइन बायर्स हैं टिकट के, वो आकर के मैच देख सकें बिना किसी विरोध के और बिना किसी प्रकार के जो विघ्न के, इस मैच का आनंद उठा सकें। और लोगों को सतर्क भी करने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं यहाँ पे स्टेडियम में, और उस बड़े दिन का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं यहाँ अहमदाबाद में, जब जो इस वर्ल्ड कप का सबसे यूनिक मुकाबला है और सबसे ज़्यादा अवेटेड मुकाबला है, 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में वो खेला जाएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV।